देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल स्टीरियो सेंटर। सबसे पहले हमें स्टीरियो सेंटर का मतलब आपको समझना पड़ेगा। देखिए सी डबल बॉन्ड सी में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, जैसे अभी ये फिलहाल ट्रांस है तो सी डबल बॉन्ड सी के कारण यहाँ पर जी आई हो रहा है। तो यदि मॉलिक्यूल में जी आई हो सी डबल बॉन्ड सी के कारण, तो सी डबल बॉन्ड सी का दोनों कार्बन स्टीरियो सेंटर में काउंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टीरियो सेंटर का डेफिनेशन यह होता है कि वह कार्बन या एटम जिसके ग्रुप को इंटरचेंज किया जाए तो कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए। जैसे अगर मैं इस HCl को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो ये ट्रांस वाला सिस बन जाएगा, और इसको भी चेंज कर दूं अगर मैं तो भी ट्रांस का सिस बन सकता है। इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, मतलब स्टीरियो सेंटर होंगे। एक तो ये बात हो गई। अगर मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर हो तो कायरल सेंटर हमेशा स्टीरियो सेंटर होगा। वहाँ पर भी यही बात लागू होती है कायदे से। जैसे HCl है, यहाँ पर फ्लोरीन दे दिया, यहाँ क्लोरीन दे दिया। अगर आप इन दोनों H और Cl को इंटरचेंज करोगे तब भी तब क्या होगा, यहाँ पर कॉन्फ्यूगरेशन बदल सकता है, या फ्लोरीन क्लोरीन को बदलोगे तब भी बदल सकता है, ठीक है ना। तो चूंकि कायरल सेंटर एक ही है तो इसलिए कायरल सेंटर को स्टीरियो सेंटर मानते हैं। कायरल सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सिचुएशन और होता है जहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। आपको पता है कि रिंग में जब दो sp3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण GI होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यहां पर क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, यहां वेज डैश हो, यहां पर वेज डैश हो, तो सिस ट्रांस की बात यहां पर भी हो सकती है। तो जब रिंग में दो sp3 कार्बन प्रेजेंट हो, जहाँ पर ग्रुप डिफरेंट हो, तो उस sp3 कार्बन के कारण कंपाउंड में GI हो सकता है। तो वो दोनों sp3 कार्बन को भी स्टीरियो सेंटर में काउंट किया जाता है। कारण वही है कि अगर मैं इस वाले कार्बन के ग्रुप को इंटरचेंज करूँगा तो भी सिस ट्रांस बन सकता है, और यहाँ पर इंटरचेंज करूँगा तब भी सिस ट्रांस बन सकता है। बस तो क्या क्या बताया मैंने आपको, डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन GI होगा, रिंग में दो sp3 हो जिस पर ग्रुप डिफरेंट हो तो दोनों स्टीरियो सेंटर होगा, और मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो भी स्टीरियो सेंटर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, डिटेल में बता दिया, अब आप इसको लगाइए। सबसे पहला नंबर देखिए, इस डबल बॉन्ड के कारण GI होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस कार्बन पर ग्रुप डिफरेंट है, और इस कार्बन पर इधर घूमिए तो डिफरेंट है, यानी कि इस डबल बॉन्ड के कारण GI होगा। तो इस डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन स्टीरियो सेंटर है। ये वाला कार्बन देखिए कायरल सेंटर है क्या? बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये भी स्टीरियो सेंटर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका जो दूसरा है स्ट्रक्चर, इसमें भी देखिए डबल बॉन्ड के कारण GI होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर, वैसे तो जब आप इधर और इधर जाओगे तो आपको लगेगा कि सेम ग्रुप है, बट अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूँ तो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट के कारण इनको डिफरेंट ग्रुप माना जाता है, जिसके कारण GI होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों कार्बन स्टीरियो सेंटर होंगे। फिर देखिए इस रिंग के हिसाब से देखिए, तो रिंग में दो sp3 है जहाँ पर ग्रुप डिफरेंट है, तो इस रिंग वाले sp3 के कारण भी GI हो सकता है, तो ये दोनों कार्बन भी स्टीरियो सेंटर होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर कोई स्टीरियो सेंटर नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण भी GI नहीं होगा और sp3 के कारण भी GI नहीं होगा। इसमें देखिए डबल बॉन्ड के कारण GI नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, बट इस रिंग में जो sp3 प्रेजेंट है, इसके कारण हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है नहीं बल्कि होगा, तो ये दो स्टीरियो सेंटर हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तीन तो यहाँ पर हो गया और चार यहाँ पर हो गया, 3 4 7 हो गया और 2 यहाँ पर हो गया, 9 हो गया। इसके अलावा और कोई स्टीरियो सेंटर दिख रहा है जो हो सकता हो? नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 3 7, इसमें कुछ है नहीं,
इधर इधर ये कॉयरल सेंटर, हाँ ये कॉयरल सेंटर है ना, ये कॉयरल सेंटर है बच्चों, इसके कारण होगा एक और। तो 4 3 7 एक 8 हो गया और 2 यहाँ पर हो गया, 2 10 बी ना हो करके सी होगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टीरियो सेंटर अच्छे से क्लियर हो गया होगा।